नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए शो फिल्मी ज्ञान में और मेरा नाम है विजय कृष्णा। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने टैलेंट मेंटर और एक्टिंग गुरु मिस्टर विपिन कुमार। सो आइए मिलते हैं उनसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शो। थैंक यू सो मच विजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। दोस्तों मैं विपिन कुमार, एक्टिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका स्वागत करता हूँ सक्सेस फिल्म एकेडमी में। और दोस्तों आज जो हम इस एपिसोड के अंदर, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, फिल्मी ज्ञान एक एपिसोड हमने स्टार्ट किया दोस्तों, जिसमें हर एक क्वेरी का आंसर देना चाहते हैं एस्पायरिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्ट्रेस, जो हमारी भाई बहन सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में, वो सारी जानकारी देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और बॉलीवुड में आप अपना करियर अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके और आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मैं विपिन कुमार स्टूडियो में बैठा हूं और यहां पे विजय कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी बड़ी बखूबी से आपको आंसर दूं। यस विजय, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं आपके, क्या आज टॉपिक लेके आए हैं इस फिल्मी ज्ञान एपिसोड में, बोलिए। बिल्कुल सर, एक मेरे पास सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि सर बॉलीवुड में लीड एक्टर कैसे बना जाए। ऑल राइट, बॉलीवुड में लीड एक्टर कैसे बना जाए, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? सो दोस्तों बॉलीवुड में लीड एक्टर कैसे बना जाए, ये क्वेश्चन है विजय का। सो विजय मैं बखूबी आपका आंसर दूंगा इन चीजों का, किस तरीके से बॉलीवुड में लीड एक्टर बना जाता है। दोस्तों बारी बारी से आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन करने के बाद इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं एस्पायरिंग एक्टर। चलिए मैं आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स को आंसर देता हूं। दोस्तों लीड एक्टर और एक्टर, इसमें आप कंफ्यूजन मत, उसमें मत पड़ो आपकी लीड एक्टर कैसे बने। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको एक्टर बनना है। क्या करना है? एक्टर बनना है दोस्तों, ये आपको सोच के चलना है कि आपको एक्टर बनना है। हाँ कुछ बातें हैं एक्टर बनने के लिए, मैं बारी बारी से इसको आंसर देना था। सबसे पहला है विजय, वो मानना पड़ेगा कि वो बंदा या कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं उनको ये मानना पड़ेगा दे कैन डू इट, दे कैन डू इट। ऑल राइट, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन उनकी कंप्लीट होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सबको ग्रेजुएशन करना चाहिए, मास्टर करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूं। और किसी कारणवश हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स अगर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी उनको बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि वो हिंदी इंग्लिश पढ़ सकें, ताकि उनको डायलॉग दिए जाते हैं वो पढ़ के आगे जा सकते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर टू है कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लो। ऑल राइट, उसके बाद है दोस्तों मुंबई आने से पहले आप खुद को इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को या अपने आप को ये समझा के मुंबई आओ कि यस मुझे अब मुंबई के अंदर ही रहना है, मुंबई से रिटर्न नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप आए 2 महीने 3 महीने रहे और फिर रिटर्न हो गए, आपको मुंबई के अंदर सेटल होना है। ऐसा माइंडसेट लेके आपको मुंबई के अंदर आना है। आप यहां आने के बाद या यहां आने से पहले कंप्लीट एक्टिंग ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ले लो, क्योंकि आजकल कई सारी टेक्निकल चीजें आ चुकी हैं विजय। अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग नहीं लेता है, कोई एक्ट्रेस एक्टर बनना चाहता है ट्रेनिंग नहीं लेता है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है अभिनय का, कुछ चैप्टर यहां बताना चाहता हूं, जैसे मोनोलॉग, इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन, सेंस मेमोरी, सब्जेक्टिव स्टडी, स्टैनिस्लावस्की मेथड एक्टिंग, क्लासिकल एक्टिंग, माइम, इवोल्यूशन, डिक्शन, स्पीच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेजिटेशन किलिंग, नर्वसनेस किलिंग, पी एस्थेटिक टेक्निक, माइकल चकाव एक्टिंग टेक्निक, ऊटा हैगन टेक्निक, लाइव थिएटर प्ले, ये कुछ चैप्टर है। ऑडिशन ट्रेनिंग है, कैमरा एक्टिंग है, थिएटर एक्टिंग है, एंकरिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये कंप्लीट सिलेबस हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। सो मेरी ऐसी गुजारिश है, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है एस्पायरिंग एक्टर से कि उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए, राइट? ऑल राइट, इसके बाद आता है कि जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा वर्कशॉप करके अपने डिक्शन पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने थिएटर प्रैक्टिसेज पे और ज़्यादा स्मूदन कर लेना चाहिए। यस सर। और स्मूदन करने के बाद कुछ और हैं, जैसे उनके कुछ और अपने आप को स्किल्स डेवलपमेंट में ले सकते हैं, जैसे डांस सीख सकते हैं, कराटे सीख सकते हैं, राइट? अपने लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, अपने बॉडी पे काम कर सकते हैं, अपने स्किन पे काम कर सकते हैं, ओवरऑल उनको ग्रूमिंग करनी चाहिए, मेरा बोलने का इंटेंशन यहाँ पे ही है। ऑल राइट, अब मैं बात करता हूँ जिस टॉपिक को हमने शुरुआत की थी, लीड एक्टर और एक्टर। यस दोस्तों, मैं मानता हूँ कि कई सारे ऐसे वेरिएशंस आपने देखे होंगे एक्टिंग इंडस्ट्री में, कोई यू नो कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ एंकरिंग करते हैं, कई सारे एक्टर हैं जो सिर्फ लीड कमर्शियल सिनेमा करते हैं, कई सारे एक्टर हैं सिर्फ कमर्शियल सिनेमा करते हैं। yes, sir, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये लोग यू नो पैरेलल सिनेमा करते हैं, राइट? सो दोस्तों यहाँ पे लीड एक्टर की बात चल रही है तो लीड एक्टर पे ही बात करूँगा। लीड एक्टर में आजकल चलन हो गया है विजय कि जिसको भी कमर्शियल सिनेमा करना है, राइट, उसकी ऐसी अच्छी फिजिक होनी चाहिए, अच्छी यू नो हाइट होनी चाहिए, अच्छा मार्शल आर्ट आना चाहिए, अच्छे डांस आना चाहिए, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुकी है। एक्सेप्टेंस जो है ना,
जो एक्सेप्टेंस है किसका? ऑडियंस का। एटलीस्ट ऑडियंस देखती है, सो वहां पे एक्सेप्टेंस यानी कि आप जैसे जो दर्शक हैं उनकी चाहत बन चुकी है कि अगर लीड में किसी को देखना है उसके सिक्स पैक ऐप होने चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसकी अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए, राइट? उसके ओवरऑल उसका एक अलग से पर्सोना होना चाहिए। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है टू बी इन द लीड एक्टर, राइट? सो दोस्तों अगर ये रिक्वायरमेंट बन चुकी है तो आप भी अपने पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, आप भी अपने लुक पे काम कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, सब कुछ है आपके पास, सिक्स पैक कैब है, आपके पास हाइट है, आपके पास लुक है, आपके पास अच्छे हेयर्स हैं, आपकी अच्छी स्किन है, आप अच्छा दिखते हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं आती है आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। सो ओवरऑल यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझ के लेनी चाहिए, आपकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए और आपको अच्छी एक्टिंग आनी ही चाहिए। उससे आप कोई, उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अच्छी एक्टिंग, अच्छी पर्सनालिटी, आप लीड एक्टर जरूर बनोगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सीखें, एक्टिंग सीखें, डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ विजय मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, जो भी हमारे यू नो एस्पायरिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्ट्रेस, जो अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं हमें, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, मिनिमम कॉस्ट में एक्टिंग सीखनी है, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल के कॉस्ट के आधे से आधे कॉस्ट में भी आपको एक्टिंग सीखनी है, सक्सेसफुल फिल्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आप आए, जुड़े, मिनिमम कॉस्ट में सीखें और आगे बढ़ जाएं। आई होप मैंने आपका सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे बताइएगा आपको ये शो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।